हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ माइंड मत करिएगा, हमारे पड़ोस में काम चल रहा है तो आपको कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ये है सुबह का टाइम, तो मेरी यहाँ ये दूसरी झाड़ू लग रही है। आज बारिश हुई थी तो हम लोग लेट उठे थे और विनीत जी भी आज लेट उठे थे, क्योंकि पहले दूध निकालना होता था तो जल्दी उठना होता था। तो अभी 6:30 पे विनीत जी उठते हैं और मैं उनसे थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और क्योंकि बारिश होती तो उस दिन तो मन ही नहीं करता, फिर क्या करें, बच्चे हम उठते हैं तो साथ में बच्चे उठ जाते हैं, इस वजह से। तो मैंने सुबह उल्टी सीधी लगा के जल्दी जल्दी और चाय बना के पी ली थी, फिर बर्तन वर्तन धो के तब दोबारा अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। और बारिश हुई थी ना तो ये हमारी छत पे पानी भर जाता है, इसका ढार अच्छा नहीं है, तो मैं वही निकालने गई थी। और हमें निकालना भी पड़ता, नहीं तो काई आ जाती है और नीचे सीलन आ जाती है अंदर, ये कमरे के ऊपर वाली छत है। मैं जो बोल रही ना, काम चल रहा है तो हमारे यहाँ पे ना जो इधर वाली सड़क है ना, ये सीधे वाली यहाँ की ना नाली बन रही है, तो ये इसी का काम चल रहा है। और बारिश और पड़ गई, इतनी सारी गंदगी हो रही है, क्योंकि नाली बन रही थी ना तो सारी गंदगी सड़क पे निकाल निकाल के रखी, तो उससे बहुत ज़्यादा घिन आ रही, ऊपर से बारिश और पड़ गई। और इधर वाली सड़क भी बनेगी, जैसे हमारे घर के आगे बनी हुई है ना, ऐसे वाली सड़क पूरा सीधा बनेगी। पहले यहाँ पे ईंट बिछ रही थी तो नाली बन गई, अब सड़क बन गई। मेरा हमारा शैतान बच्चा ये मेरे साथ ही चला आया था, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसने पतंग उड़ाने का पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा है। पूजा है रही है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस हाल हाल गए हैं, बाल सेट है रहे हैं। हनुमान बाबा जो करोगे, जो देख पूजा कर रहा है, अपने फैशन बना रहा हूँ, पाठ पढ़वे को नाटक कर रहा हूँ वैसे ही। बाल सेट कर रही मैं, ध्यान है। मुनि जी भी नहा लिए थे और मैं भी नहा ली थी, तो आज बारिश हुई थी ना तो मुनि जी बोले कि आज तो पकौड़े बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो मन भी कर रहा है, तो मैंने चटनी बनाई फटाफट, क्योंकि हमारे यहाँ 10 बजे लाइट आती है, तब तक ही मेरा नहाना धोना और झाड़ू पोछा ख़त्म हुआ था, तो लाइट भी आ गई थी, फटाफट चटनी बनाई लहसुन वाली। और फिर मैंने आलू कट किए, और ये पता है ये वाले जो पकौड़े हैं ना, आपसे शेयर भी किए हैं, ये मेरे ना नानी के यहाँ पे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोगों तो बहुत ही पसंद है ये कलर वाले। मैं ना बेसन तो बहुत ही नाम मात्र को पड़ता है बस, तो मैं वही बना रही थी पर बेसन नहीं था, मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मैंने बेसन की जगह चावल का आटा और थोड़ा सा अरारोट डाल के फूड कलर डाल दिया, तो वही मतलब वही वाला लुक आ गया और थोड़े क्रंची भी बन गए, क्योंकि चावल के आटे से आपने खाए होंगे वो चिली पटेटो जो बनते हैं कितने क्रंची हो जाते हैं, तो उसी तरीके से थोड़ा सा, तो मैं वही यहाँ पे बना रही हूँ। और एक बात आपको बताती हूँ, आपसे मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि मेरा मोबाइल टूट, मतलब मोबाइल तो सही है, कैमरा ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से मैं ना अपना व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही। और ये पता है ये उसी दिन का व्लॉग था जिसमें से थोड़ा सा मैंने उस दिन का जोड़ा और फिर थोड़ा सा आज का जोड़ा है, तब जाके ये व्लॉग कंप्लीट हुआ है। और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही, क्योंकि आप जानते हो यार मैं कंटिन्यू व्लॉग डालती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि एक दिन छोड़ के डालती हूँ ठंड की वजह से, क्योंकि अभी ज़्यादा काम वाम नहीं हो पा रहा तो इस वजह से कुछ शूट भी नहीं कर पाते, बस रजाई में ही बैठे रहते हैं। पर कैमरा ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यूट्यूब से जुड़े होते हैं ना, ये देखो मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई, ये है लहसुन वाली चटनी और ये पकौड़ियाँ, सच्ची मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब से मैं बनाने लगी ना घर पर, तो विनीत जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली पकौड़ी, तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।
जो यूट्यूब पे होते हैं ना, मतलब यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और मुझे तो सच में फ़ोटोज़ खींचने का, रील्स बनाने का मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना, तो इस वजह से, और फिर मैं यूट्यूब से भी जुड़ गई, तो फिर कहाँ हमारा मन लगता है, तो इसी वजह से ना मैं व्लॉग बना पा रही हूँ ना कुछ, बड़ा सच्ची में अजीब सा लग रहा है मुझे भी, पता नहीं कब तक व्लॉग आ पाएगा। वो जो मॉर्निंग वाला मैंने दिखाया था ना, वो उसी दिन का था जिस दिन मेरा कैमरा ख़राब हुआ। जो बात की ये क्लिप है ना, सारी मोबाइल के अमिनी जी का मोबाइल से है, और आपको पता है इसकी क्वालिटी भी थोड़ी अलग दिख रही होगी, कुछ अजीब सी पीली पीली आती है, फेस भी अलग, तो मुझे इनके से बनाने में अच्छा भी नहीं लगता, पर अभी बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा ना, तो मुझे जब मोबाइल मिल जाता है तब कुछ ना कुछ शूट कर लेती हूँ, और ऐसे ही अभी कुछ दिन तक कर पाऊँगी। पता है मैं जब चश्मा उतार लेती ना, तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। आप कभी है ना देखना, जो लोग चश्मा लगाते हैं ना, उनकी आंखें ना छोटी छोटी हो जाती हैं, और यहाँ से ना थोड़े गड्ढे टाइप जैसा हो जाता है, जैसे मेरा हो रहा है। ये मेरे चाय का कप रखा है, मैंने अभी चाय पी है, वहाँ चारा गुदवा के आई थी ना, उसके बाद फिर चाय बनाई। तो मैं ना, सब लोग बोलते हैं, कहीं से कहीं बात पहुँच जाती है कि आप बहुत वीक लग रहे हो, जैसे मैं चश्मा उतार के अभी आपसे बातें कर रही हूँ, देखो। पर मैं वीक नहीं हूँ, वैसे मैं ठीक हूँ पहले से, पर है ना, जैसे चश्मा लगाने के बाद चश्मा उतारोगे ना, तो आपको ऐसा ही लगता है, आप लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, पर नहीं, मेरी आँखें ना चश्मा मैं कंटिन्यू लगाती हूँ तो छोटी हो गई हैं इस वजह से, ये देखो। और अभी हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, आज धूप का बिल्कुल भी नाम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मैं भी अभी फ़िलहाल रजाई में बैठी हूँ, और एक बात बताती हूँ, देखो ये रहा एक मेरा दूसरा फ़ोन, जिससे, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती थी ना, उस फ़ोन में नेट नहीं आता था, तो मैं ना इससे, आप लोगों की, ये मेरा पहला फ़ोन है जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो ये इससे मैं, इसमें जियो की सिम पड़ी हुई है, तो इससे मैं आप लोगों जो मुझे सपोर्ट करते, मैं उनकी वीडियो वॉच करती थी। तो अभी इसका भी ये सेंटर वाला बटन, ये पहले से ये टूटा फूटा तो था, पर इसका भी सेंटर वाला बटन निकल गया पता नहीं कहाँ। अब इसी से ऐसे ही, पता है आप लोगों को, मैं जिनकी भी मैं वीडियो देख रही हूँ ना, उन लोगों को थोड़ा बहुत इसी से सपोर्ट कर देती हूँ, वो भी बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो प्रेस करूँगी, पता नहीं क्या करूँगी, कहीं से कहीं पहुँच जाता है, ऐसा होता है, तो मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, रिप्लाई भी ढंग से नहीं दे पा रही हूँ टाइम से, मतलब टाइम हो जाता है जब आप लोगों को रिप्लाई मिलता है, और पता नहीं कब मेरा फ़ोन सही होगा, अभी देखते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पता नहीं अब कब व्लॉग आएगा, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, अब पता नहीं अच्छा होगा या बुरा, जैसा बन जाएगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ 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 जो भी मैं वीडियो या व्लॉग शेयर करूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, हो सकता है कि वो टाइम से छोटा हो, जैसे व्लॉग हमारे बड़े होते हैं, वो हो सकता है दो दो तीन तीन मिनट का हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राम राम।